मम्मा प्लीज टीवी देखते हैं। पूरा दिन टीवी में लगा रहे, पढ़ना लिखना मत। मॉम प्लीज। एक थप्पड़ मारूंगी ना, कहा ना मोबाइल दो। आशा क्यों गुस्सा कर रही हो बच्चे पर? डैड रिवल। क्या बात है आशा, आज इतना गुस्से में क्यों? तो और क्या करूं, पूरा दिन बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ये बात तो नहीं है, बात कुछ और है, बताओ ना क्या बात है। कुछ नहीं। कोई टेंशन है? नहीं, तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम हाथ पैर धो लो, मैं खाना गरम कर देती हूँ। रेवल सो गया क्या? हाँ बस अभी सुलाकर ही आ रही हूँ, और अभी भी उसके हाथ में मोबाइल था। आशा तुम आज तुम्हारे पापा से मिलने गई थी क्या? मिलने गई थी। तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं कि तुम आज इतना गुस्से में क्यों? क्यों ना हूँ गुस्से में, पापा की टेंशन होती है मुझे। मम्मी के जाने के बाद तो टूट ही गए ना वो, काम वाली बाई भी आती है, काम करती है, खाना बनाती है और चली जाती है। पापा ने खाना खाया नहीं खाया कौन देख रहा है, और देखने वाला है भी कौन? बात तो सही कह रही हो तुम, पर कर भी क्या सकते हैं। आशा मैं एक बात बोलूं क्या, क्यों ना हम पापा को यहां ले आए, देखो उन्हें माहौल भी मिल जाएगा, उनकी देखभाल भी हो जाएगी, और रेवल भी खुश होगा, और उसके वो मोबाइल की लत भी छूट जाएगी। पापा मान जाएंगे क्या? अगर वो मुझे अपना बेटा समझते हैं तो मेरा दिल कहता है वो जरूर मान जाएंगे। यह आ गया अपना घर, और आशा देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। लो पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम नाना। जीता रे बेटा। आइए पापा, अब तो ये आप ही का घर है। और मेरा भी, अब तो मैं रोज नानू के पास सोऊंगा। नानू ने तो अब मेरे लिए बहुत सारी नई नई कहानियां भी याद कर ली होंगी। आज नानू को परेशान मत करना। अरे मेरा बेटा रिवल मुझे मिल गया है, अब तो आराम ही आराम है। लेकिन कहानियां तो सुनूंगा मैं। हाँ बेटा, मैं तुझे आज जंगल वाले राक्षस की कहानी सुनाऊंगा। हाँ आइए पापा, आप अंदर चलिए, मैं खाना बना देती हूँ। चल बेटा। चलो। चिड़िया उड़, मैना उड़, कौआ उड़, भैंस उड़। आपको पता है नानू, मैं मेरे फ्रेंड से बोला कि है ना, मेरे नानू तो मेरे साथ ही रहते हैं और मुझे नई नई कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो मेरा फ्रेंड बोला कि तेरे नानू तो तेरे साथ रहते हैं, तू तो बहुत लकी है, और मेरे नानू तो मेरे साथ रहते ही नहीं है। लकी कहते हैं कि किसी अनलकी इंसान को देख के ही सामने वाले को लकी समझा जाता है। मतलब नानू? कुछ नहीं बेटा, तू नहीं समझेगा, तू मेरे सामने तू लकी है। वो तो है। चल मैं तुझे एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ नानू। एक बार एक बहुत बड़ा राजा था, और उस राजा के चार बेटियां थी। जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी ना, वो जंगल में रोज शिकार करने जाती थी। एक दिन उसे बहुत बड़ा राक्षस उठा के ले गया। हो, फिर? और फिर उसे परी छुड़ाने के लिए आई। नानू परियां तो बहुत सुंदर होती है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
उस परी के पास एक जादू की छड़ी थी, उस छड़ी से उसने राक्षस को मार दिया। सो गया बेटा, सो जा। तुमने देखा आशा, पापा के आने से रेवल कितना खुश है। हाँ, पर पता नहीं क्यों पापा खुश नजर नहीं आ रहे। रिवल बेटा, आज सुबह सुबह कहाँ चल दिए? नानू खेलने, आज हमारे बैडमिंटन का मैच है ना। स्कूल नहीं जाना? नहीं, छुट्टियाँ चल रही है ना। क्या बोल दी आज? पापा के फ्रेंड कपिल अंकल, कपिल शर्मा के बहुत बड़े फैन है ये, हमेशा हंसते ही रहते हैं। अच्छी बात है बेटा, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। ओके नानू, बाय। बाय बेटा। मतलब कि तेरे ससुर तेरे घर पे रहते? अरे यार कपिल, अब तुझे तो पता ही है उनका हमारे सिवा और है ही कौन। अरे मेरे ससुर ना बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। अरे यार तू भी कैसी बातें करता है। अरे यार समय बदल गया है यार। हाँ हाँ, समय तो बदल गया। बस कर यार। बोल दिया तो बोल दिया। लीजिए पापा, आप नाश्ता कीजिए, जब तक मैं घर के सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। चाहत इतनी होती है बस, अपनों के साथ रहने की। वरना सबको पता है कि अकेले ही जाना है। जब मैं दूसरों की कहानी सुना करता था तो सो जाया करता था, और आज मैं अपनी कहानी याद करके जाग रहा हूं। क्या समय अब इतना बदल गया है कि अपनों के साथ रहने के लिए दूसरों की इजाजत लेनी पड़े। कहां जाए हम जैसे बुजुर्ग, जिनका अपना घर होते हुए भी अपना ना हो। शायद इसलिए वृद्धाश्रम बने, जैसे हंसने वालों पर उनकी हंसी ना पहुंच सके।